नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट और मैं हूं रंजना। इस वक्त धनबाद की सबसे बड़ी खबर यह है कि धनबाद जिला से सटे बंगाल बॉर्डर पर बराकर फाड़ी में पुलिस ने जखीरा बरामद किया है। हथियारों का जखीरा बरामद करते हुए उस युवक को पकड़ा गया है। पुलिस की संदिग्धता से युवक पकड़े जाने के बाद और भी अन्य जगहों पर छापेमारी जारी है। हालांकि ये धनबाद जिला प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, साथ ही स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। क्या है पूरा मामला, देखिए पूरी रिपोर्ट। जानकारी के अनुसार झारखंड के नंबर की बाइक पर सवार एक युवक के पास काला बैग देख पुलिस को उस पर संदेह हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसे रोककर छानबीन की और उस दौरान बैग से हथियार बरामद किया। आसनसोल पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार नीलकंठम ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार अपराधी के पास से 25 पिस्टल और कारतूस के साथ सेमी ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुआ है। ये व्यक्ति किसी अंतरप्रांतीय हथियार तस्कर गिरोह से जुड़ा है। आरोपी युवक कुल्टी का रहने वाला बताया जा रहा है, साथ ही उसका नेटवर्क झारखंड से जुड़े होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस उसे लेकर विभिन्न हिस्सों में छापेमारी कर रही है। बॉर्डर पे, झारखंड बॉर्डर पे जब नाका चल रहा था तो उसमें एक आदमी को पकड़ा गया बाइक के साथ, और उनका चेकिंग करने से उनके पास से 25 टन 7 mm माउंस मिला है, 46 MP मैगजीन्स मिला, उसके अलावा उनके पास एक मोबाइल भी मिला। उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया था और आम सीज किया गया। बाकी वो कहाँ से कहाँ और किसके लिए ले जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो तदंत कर रहे इन्वेस्टिगेशन में। सर, वो कहाँ से आ रहा वो रहने वाला कुल्टी का वासी, ठीक है, बट उनका कहना का है कि वो झारखंड से रहे थे। झारखंड कौन, सारे डिटेल्स हम आपको बाकी इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको शेयर किया। सर, अब तक कितने लोग